नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। कहा, आतंकियों के खिलाफ गंभीर हो पाकिस्तान। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए जरूरी है समस्या के मूल तक पहुंचना। क्रिकेट से राजनीति में कूदे इमरान खान ने भारत पर लगाया आरोप। कहा, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है भारत। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। पाकिस्तान के थिंक टैंक ने किया दावा। कहा, भारत के पास है तकरीबन 500 परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता। भारत के जटिल परमाणु कार्यक्रम के इतिहास, आकार, विस्तार और क्षमता पर किया गया था शोध। पॉल बीटी बने बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी लेखक। नस्ली राजनीति पर आधारित पुस्तक द सेल आउट के लिए होंगे सम्मानित। साहित्यिक पुरस्कार के तहत पॉल बीटी को दिए गए 50,000 पाउंड। अमेरिकी चुनाव में भारतवंशियों को लुभाने की कोशिशें जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की तर्ज पर दिया नारा। कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। और आइसिस को खदेड़ने के लिए मोसुल शहर की दहलीज पर पहुंची इराकी सेना। शहर के करीब 90 गांवों और कस्बों से आतंकियों को खदेड़ा। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन से इराकी सेना और कुर्द बलों को मिल रही है हवाई और जमीनी मदद। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ आए खबरें लगातार।